अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फरजिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताती चलूँ, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तज्जिये। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। हमारी आज की रिपोर्ट फादर्स डे के हवाले से है। फादर्स डे का आगाज कब हुआ और इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? औलाद की वालदैन के हवाले से क्या ड्यूटी है और इस डिजिटल मीडिया के दौर में हम अपने वालदैन के लिए क्या कर सकते हैं, इसी बारे में बात करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। हमारी आज की रिपोर्ट फादर्स डे सेलिब्रेशन के हवाले से है, लेकिन इसके लिए हमें माजी में जाना होगा। आइए नाज़रीन पहले माजी में चलते हैं। ये 19वीं सदी के अवाइल की कहानी है, जब अमरीकी शहर वॉशिंगटन के एक कस्बे स्पोकन में हेनरी जैक्सन स्मार्ट नामी शख्स रहा करता था। हेनरी जैक्सन के 5 बच्चे थे। इसकी बीवी छठे बच्चे की विलादत के दौरान इंतकाल कर गयी। हेनरी जैक्सन को अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी। ये सानहा उसके लिए कयामत से कम न था। बच्चों की परवरिश और घरेलू जिम्मेदारियों को महसूस करने के बावजूद उसने दोबारा शादी ना करने का फैसला किया और बीवी के बगैर जिंदगी की गाड़ी को खींचने का फैसला किया, जो यकीनन एक मुश्किल फैसला था। वो बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी भी खुद निभाने लगा। वो बयक वक्त उन बच्चों का बाप भी था और माँ भी। कमे रोजगार के साथ साथ घर में खाना पकाने से लेकर बच्चों के स्कूल होमवर्क तक तमाम कामों की देखभाल वो खुद किया करता था। हेनरी ने तमाम कामों का बीड़ा उठाया। यकीनन ये आज भी एक अचंभे की बात समझी जाती है। लोगों ने उसे बेवकूफ और पागल का खिताब देना शुरू कर दिया, लेकिन मिस्टर हेनरी जैक्सन इन सब बातों से बेपरवाह अपने कामों में लगे रहे। अपने बच्चों की परवरिश भी करते रहे, नौकरी भी करते रहे और घर के काम भी निपटाते रहे। उनके बच्चे भी वालिद की इस मोहब्बत को कदर मंजिलत की नजर से देखते थे। हेनरी की बड़ी बेटी सेनोरा स्मार्ट डॉट ने मदर्स डे के मौके पर जब लोगों को मदर्स डे जोशो अकीदत से मनाते देखा तो उसके जहन में ये ख्याल आया कि किस तरह एक माँ दुनिया की तमाम मुश्किलों, मुसीबतों और झमेलों से बचाकर अपने बच्चों की परवरिश करती है। बिल्कुल उसी तरह उनके वालिद ने भी उन तमाम बहन भाइयों की तालीम की दोहरी जिम्मेदारी निभाई है। सेनोरा ने फैसला किया कि वो भी अपने वालिद की इन खिदमात, मोहब्बत और शफकत के एहतराम में हर साल फादर्स डे का एहतमाम करेगी। सेनोरा डॉट ने 1991 में दुनिया का पहला फादर्स डे मनाया, जिसमें इसके तमाम बहन भाइयों, अजीजों, अकारिब और कस्बे के तमाम लोगों ने एक साथ जमा होकर मिस्टर स्पोकन हेनरी जैक्सन की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया और उससे अगले साल स्पोकन के तमाम घरों में ये त्यौहार मनाया गया। सेनोरा के इस इकदाम को मजहबी जमातों की हिमायत भी हासिल हो गयी और ये जश्न यूनाइटेड मेथोडिस्ट में भी अदा किया जाने लगा। जब ये खबर अमरीकी अखबारों की जीनत बनी तो इस कदम को तमाम अमरीका में सराहा जाने लगा। बाद में हुकूमत वक्त ने जून के तीसरे इतवार को फादर्स डे मनाने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। 191 ईस्वी में वॉशिंगटन में पहली बार 20 जून को फादर्स डे मनाया गया। फिर इस दिन को वालिद के नाम से मंसूब कर दिया गया, जिसे अब बाकायदगी से हर साल मनाया जाता है। इस त्यौहार को आलमी त्यौहारों में मुस्तकिल तौर पर शामिल कर लिया गया, इसे कानूनी हैसियत दे दी गयी। गुलाब के फूल को इस दिन का खास तोहफा करार दिया गया। इस दिन के मुनासिबत से 1 साल से 80 साल के तमाम बच्चे अपने वालिद को गुलाब का फूल पेश करते हैं। जिनके वालिद हयात नहीं, वो उनकी याद में अपनी कॉलर में सफेद गुलाब का फूल लगाते हैं। ये तो सिर्फ एक खानदान की कहानी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने माँ बाप के दिलों में औलाद के लिए जो बेगर्ज मोहब्बत रखती है, वो किसी मुल्क, कस्बे या शहर की मोहताज नहीं। एक बाप भी जमाने के सरगर्म मुश्किल से गुजरने के बावजूद इसार से वाबस्ता रहता है। बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए साइबान और तहफ्फुज़ बनता है, उनकी आबियारी के लिए दिन रात एक करता है, बिना किसी लालच किसी गर्ज के दुनिया की हर खुशी अपने बच्चों को फराहम करने में अपनी सारी जिंदगी लगा देता है। एक बाप के लिए इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं होती कि वो अपनी औलाद की बेहतर परवरिश कर सके और उसे दुनिया में कामयाब इंसान के रूप में देखे। ये फरीजा अल्लाह की तरफ से तफवीज किया गया है। ये सच है कि इस त्यौहार को अक़वामे मग़रिब में ईसाइयों ने मनाना शुरू किया, लेकिन अब तकरीबन तमाम मजाहिब के लोग इसे मनाते हैं। जरूरी नहीं कि इस दिन को उनके तरीके से ही मनाया जाए। हकीकत तो यह है कि इस्लाम में भी वालदैन के हुकूक पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस त्यौहार को त्यौहार न समझें, बल्कि इस्लाम के सुनहरी असूलों के मुताबिक अपने वालदैन के हुकूक को पूरा करने की कोशिश करें। तो जिस बाप ने मुशक्कत मेहनत से हमें पाला है, इसकी खिदमत का एहसान कभी भी नहीं उतारा जा सकता, लेकिन उनकी इज्जत और एहतराम करने के साथ जरूरियात का ख्याल रखते हुए उनके बुढ़ापे में उनकी खिदमत की जा सकती है। कोई यतीमों से पूछे कि वालिद की अहमियत क्या है और हैसियत क्या होती है। वो बदबख्त हैं कि जिनके वालिद जिंदा हैं, लेकिन वो उनकी कदर नहीं करते। इनको मनाने के साथ साथ हमें चाहिए कि सिर्फ साल बाद ही इसे न मनाएं, बल्कि
सारा साल अपने वालदैन की खिदमत करें, उनके दुख सुख बांटें, उनकी दुआएं लें, हर दिन को फादर डे और मदर डे समझकर दुनिया और आखिरत की भलाई समेटें। जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी हमारे नाम कर दी हो उनके लिए एक दिन और खासकर वालिद के लिए एक दिन मुख्तस करना यकीनन ज्यादती की बात है। लेकिन आज के इस मसरूफ दौर में, इस दौड़ती भागती जिंदगी में एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए अगर हम खुद थोड़ी देर को ये सोचें कि हम अपने वालदैन को क्या मोहब्बत, इज्जत और मकाम दे रहे हैं जिसके वो हकदार हैं, क्या हम उनका ख्याल रख रहे हैं जिस तरह उन्होंने अपना वक्त, अपना सरमाया, अपनी जिंदगी, सब कुछ हमें दिया। हमारे मुल्क में हेनरी जैक्सन जैसे सैकड़ों वालिद होंगे जिनकी मोहब्बतों, शफ़क़तों और कुर्बानियों का हिसाब नहीं लगाया जा सकता, लेकिन क्या औलाद भी वालदैन की अनायतों का जवाब उनके बुढ़ापे में उसी अंदाज से दे सकती है? हमें अपनी गलतियों को मानकर, पशेमान होकर वालदैन की खुशी का सामान पैदा करने की भी कोशिश करनी है ताकि हम जनारा डॉट की तरह औलाद का थोड़ा बहुत हक अदा कर सकें। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बार में जाकर अपनी राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक ऑफिशियल पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।